चैनल गायनी टॉक विद डॉक्टर मनीषा। इस वीडियो में मैं आपको प्रेगनेंसी में होने वाली इचिंग के बारे में बताना चाहूँगी। कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में खुजली होने की शिकायत हो जाती है, खासकर जो उनका पेट होता है उस तरफ या थाइज में। तो ये खुजली क्यों होती है और आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि ये कम हो सके। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कुछ महिलाओं में प्रेगनेंसी से पहले भी एक्जिमा की शिकायत होती है, तो प्रेगनेंसी में ये एक्जिमा उभर के आ जाता है, तो उस वजह से उसको खुजली हो सकती है। प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से जो स्किन है उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, इस वजह से भी इचिंग हो सकती है। या फिर जो आपका जो यूट्रस और जो आपका शिशु बढ़ रहा है उस वजह से जो आपके पेट की स्किन है वो स्ट्रेच हो जाती है, उस स्ट्रेचिंग की वजह से भी, या वो अगर स्किन ड्राई होगी तो उस वजह से भी आपको वहाँ पर खुजली हो सकती है। अगर आप सही मात्रा में पानी नहीं ले रही, जो कि 8 से 10 ग्लास आपको लेना चाहिए, तो बॉडी में जो डिहाइड्रेशन है उसकी वजह से ड्राई स्किन हो सकती है, उस वजह से भी खुजली हो सकती है। और अगर सर्दी का मौसम चल रहा है और बहुत ज़्यादा आप गर्म पानी से नहा रही हैं तो भी जो स्किन का मॉइस्चर कंटेंट है वो लूज़ हो जाता है, उस वजह से भी आपको खुजली हो सकती है। तो ध्यान दें कि सर्दियों में भी आपको बहुत कम गुनगुने पानी से नहाना है और बहुत ज़्यादा परफ्यूम वाला या ऐसा साबुन नहीं यूज़ करना है, बहुत ही माइल्ड सोप यूज़ करना है। और जब आप नहा लेंगे तो उसके बाद आपको अपने पूरी बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है। आप कोकोनट ऑयल ले सकती हैं, ऑलिव ऑयल ले सकती हैं, कोई सा भी ऑयल ले सकती हैं, आपको अपनी पूरी बॉडी पे अप्लाई करना है। अगर आपको पेट पे या थाइस पे ज़्यादा खुजली हो रही है तो फ्रेश एलोवेरा का जो जेल होता है वो भी आप अप्लाई कर सकती हैं, या फिर कैलामाइन लोशन आता है वो आप अप्लाई कर सकती हैं, उससे भी जो इचिंग होती है, खुजली होती है, उसमें आपको काफ़ी रिलीफ हो सकता है। ध्यान करें कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान लूज़ फिटिंग के कपड़े पहनने हैं, कॉटन के ब्रीदेबल कपड़े पहनने हैं। ऐसा ना हो कि सिंथेटिक कपड़े पहनने से बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, उस वजह से भी कुछ फंगल इन्फेक्शन हो सकता है या इचिंग की शिकायत हो सकती है। और अगर आपको पूरे ही शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है और इन सब चीज़ों से रिलीफ नहीं आपको मिल रहा है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, वो आपका लिवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगी। क्योंकि कई बार अगर लिवर के जो एंजाइम्स हैं या बिलिरुबिन है वो बढ़ जाता है तो भी पूरी बॉडी में इचिंग की शिकायत हो जाती है। एक कंडीशन होती है प्रेगनेंसी में, कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें भी आपको शरीर में इचिंग होती है, खासकर जो आपके पाम्स होते हैं या जो आपके पाँव के तलवे होते हैं उसमें इचिंग होती है। जॉन्डिस हो सकता है आपको, आपको जनरलाइज्ड वीकनेस हो सकती है, या फिर आपको जैसे खाना खाने का मन नहीं कर रहा। तो अगर आपको ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं, इसका मतलब आपको अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी है, तुरंत संपर्क करना है। और अगर जो कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी है उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं प्रेगनेंसी में, जैसे जो बेबी का जो वेट होता है वो कम हो जाना, बेबी लो बर्थ वेट पैदा होना, या फिर समय से पहले ही डिलीवरी के दर्द आ जाना तो बेबी प्रीटर्म पैदा होता है, या कई बार अगर एंजाइम्स बहुत ज़्यादा रेज्ड होती हैं या बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा रेज्ड होता है तो कभी कभी शिशु पे असर पड़ता है, पेट के अंदर ही उसकी डेथ हो सकती है शिशु की। और अगर डिलीवरी हो रही है तो डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा खून जाने का खतरा होता है माँ को, तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर आपके एंजाइम्स रेज्ड हों या कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी हो। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपको नॉर्मल से ज़्यादा इचिंग हो रही है और छोटे छोटे जो मेजर्स हैं उनसे नहीं ठीक हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अगर नया वीडियो हो तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।